अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पापड़ी चाट बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी बनेगी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हम लेंगे 200 ग्राम मैदा, 100 ग्राम सूजी, 1 कप बेसन, 1/2 कप जितना हम इसमें ऑयल लेंगे, 1/4 टीस्पून जितना नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून जितना अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से अच्छे से फ्लेवर आता है पापड़ी में। इसको हम ढक करके 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब हम 6 से 7 पोटैटोस को बॉईल कर ले लेंगे। इसको मैश करेंगे, मोटा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं मैश करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके बारीक टुकड़े के जैसा बना लेंगे। इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर और इसमें हम 1/2 टीस्पून जितना नमक डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़े से बॉईल किए हुए चने मिक्स कर लेंगे। ये हमारा चाट तैयार हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से रख लेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए अनारदाना और थोड़ी सी शौ लेंगे और इमली की चटनी बनाकर इस तरह से रख लेंगे, खट्टी मीठी सी। 1/4 किलो दही में शक्कर मिक्स करके रख लेंगे। ये सब हम प्लेटिंग के टाइम पे बताएंगे आपको। अब हम पापड़ी को बेलेंगे और गोल शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से सभी पापड़ी को कट कर निकाल लेंगे और एक अलग टाइप की भी पापड़ी बनाएंगे इस तरह से बेल कर। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हल्का सा पानी लगाकर हल्का सा फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम ऑयल में एक एक करके इस तरह से डालेंगे पापड़ी को। हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, फिर इसको मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे पापड़ी को। इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम तलेंगे कि पापड़ी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम राउंड शेप की पापड़ी को भी तल कर निकाल लेंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे इसकी। पहले इमली की चटनी लगाएंगे, फिर पापड़ी को रखेंगे, अच्छे से जमा लेंगे पापड़ी को। फिर हम इसके ऊपर चाट डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनती है ये पापड़ी चाट। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसको। इस तरह से हम इस पर चाट डालकर मीठा दही डालेंगे। इसके ऊपर हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, थोड़ी सी शौ डालेंगे इस तरह से और अनारदाना डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए हमारी दही पापड़ी चाट, ज़बरदस्त मज़ेदार, माशाल्लाह। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।